रहीम तो इन डेरिवेटिव्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑप्शंस ऑप्शंस में हमने बात की थी दे आर टू मेन टाइप्स ऑफ ऑप्शंस सो आज हम उसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्शन दे आर टू टाइप्स दैट इज़ यूरोपियन एंड अमेरिकन सो यू मस्ट बी नोइंग विद दीज नेम्स बट इट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ नो लिंक विद स्पेसिफिकली टू द कंट्रीज इसकी अगर हम बात करें तो ये ज्योग्राफिकल नहीं है कि जो यूरोपियन यूरोप में हो रही हैं और अमेरिकन अमेरिका में हो रही हैं नॉट लाइक दैट इज दीज आर जस्ट द नेम्स एंड दे हैव देयर ओन रिस्पेक्टिव डिस्टिंक्शन अमेरिकन ऑप्शन हैव दे हैव मेरी सिमिलैरिटीज बट द डिफ्रेंसिज आर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एलिस्ट्रेट यूरोपियन ऑप्शन यूरोपियन ऑप्शन में एक्सरसाइज ओनली एट एक्सपायरेशन अगर आप थोड़ा माइंड में रिकॉल करें तो हमने कहा था ऑप्शन इज अ राइट कि आपके पास च्वाइस होगी कि आप चाहें तो करें और चाहें तो ना करें जैसे हमने कहा था कि हमारे पास चॉइस है कि हम डॉलर अस्सी का ले सकते हैं या एक सौ पचास का ले सकते हैं तो ये चॉइस है हमारा तो दिल अगर हमारी मर्जी का रेट होगा तो विल डू इट अदरवाइज वी कैन लैप्स इट तो अब इसमें क्या है कि ये इसकी अगर टाइम लेम लाइन है वन मंथ या थ्री मंथ्स तो ये एक्सपायरेशन जो होगी उसकी थ्री मंथ्स की पीरियड की ये तब ही एक्सरसाइज हो सकेगा इट्स अब हम बात करें यूरोपियन की मेजर ब्रॉडबैंड इंडेक्सेज इंक्लूडिंग एस एन पी फाइव हंड्रेड हैव वेरी एक्टिवली ट्रेडेड यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन इसमें बहुत फ्रीकुंटली ये ट्रेड हो रही होती हैं इन कंट्रास्ट अमेरिकन क्या है अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन में भी एक्सरसाइज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट अगर उसी हम बात करें कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट हमारा थ्री मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था अगर वो अमेरिकन ऑप्शन होगी तो वो थ्री मंथ्स का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा इट कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम यानी कि अगर तीसरे दिन भी हमारी फेवरेबल डेट है एंड वी वांट टू एक्सरसाइज वी कैन डू इट वी कैन डू इट एट डे सेवेंटीन एनी डे बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट यूरोपियन में क्या था ऑन द मेच्योरिटी डेट जब वो टाइम उसका कंप्लीट हो रहा है थ्री मंथ था तो थ्री मंथ के एंड पे ही हम वो करेंगे अमेरिकन है तो कभी भी कर सकते हैं तो दैट्स यानी कि अमेरिकन इज मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर अथॉरिटेटिव इन रिस्पेक्ट के आपको चॉइस ज़्यादा है ऑल ऑप्शन एबल एक्सचेंज ट्रेड फंड अमेरिकन ऑप्शन विथ ओनली फ्यू ब्रॉडबेड इंडेक्स हैव अमेरिकन ऑप्शन इंडिविजअल स्टॉक्स में बॉन्ड्स में ये ज़्यादा होते हैं ई टी एफ्स में इंडेक्सिस में ये इनकी यूटिलाइजेशन थोड़ी कम है एग्जाम्पल देखते हैं डिस्कस करते हैं कॉल ऑप्शन ऑन स्टॉक हमारे पास एक कॉल ऑप्शन है उसकी लेट से हमारी प्राइस है एटी रुपीज़ के हम एटी रुपीज़ का कॉल अगर ऑप्शन है तो इसका मतलब है हमारे पास राइट टू बाय है कि एट्टी रुपीज़ का हम खरीद सकते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट की पीरियड है वन मंथ फर्स्ट जनवरी से थर्टी फर्स्ट जनवरी तक तो अगर ये यूरोपियन ऑप्शन होती तो हम सिर्फ क्लोजिंग पीरियड पे यानी कि थर्टी फर्स्ट पे या जो भी सेटलमेंट का लास्ट डे बनता है उस दिन पे हम देखते कि अगर स्टॉक एटी से ज़्यादा है यानी कि नाइन्टी का है तो हम एटी वाला परचेज कर लेते अगर स्टॉक उस दिन 80 से कम है से 77 का है तो हम ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करते और 77 का मार्केट से ले सकते थे बट इट कैन ओनली बी डन ऑन द एंड ऑफ द पीरियड लेकिन अगर ये अमेरिकन ऑप्शन होती तो पूरे महीने में किसी भी दिन अगर ये स्टॉक हमारे लेवल से ऊपर है और हमारा ख्याल है कि यहाँ पे हमें लॉक करना चाहिए तो वी कैन डू इट यानी कि हम फर्स्ट uh, जनवरी से थर्टी जनवरी के दरम्यान में किसी भी स्पेल में एनी ट्रेडिंग डेट वेन वी थिंक वी कैन गेट अ गुड रिटर्न तो हम कर सकते हैं तो इसमें यानी कि आप देखें ना एडवांटेज ज़्यादा उसमें तो सिर्फ लास्ट डे पे अगर ऊपर होगा तो हम जाएंगे इसमें पूरे महीने में किसी भी टाइम पे आपको गेन ले मिल सकता है देन यू कैन लॉक इट सो अमेरिकन आर मोर फ्लेक्सिबल सेटलमेंट प्राइस इज द ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस फॉर द एक्सपायरेशन इस्टेबलिशिंग विच ऑप्शन आर इन मनी सब्जेक्ट टू ऑटो एक्साइज मतलब ये कि जब हमने कह दिया कि ये एक्सपायरेशन पे अगर हमारी फेवरेबल में है तो हमने कहा है कि उसको ऑटो एक्सरसाइज की ऑप्शन दे दी कि अगर वो हमारी पॉजिटिव आ रहा है तो आप इमीजिएटली उसको लॉक कर लें यानी कि अगर हमारी बाइंग की ऑप्शन है हमारा एट्टी का है अगर वो मार्केट में एट्टी का भी है तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लें क्योंकि एक रुपया तो हमें उसमें से मिल रहा है सो वट एवर द केस में भी अगर गेनेबल है गेन हो रहा है तो देन जस्ट डू इट एनी ऑप्शन दैट इज़ इन द मनी बाय वन सेंट इवन और मोर एट एक्सप्रेशन इज़ ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज क्यों हमने एक बार डिफॉल्ट होता है कि एक्सपायरेशन आई अगर यूरोपियन है और हमने वो गेन हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाएगा अनलेस कि हमने खुद उसको रोका ना हो विद अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन देर आर सेल्डम सरप्राइज सरप्राइज कब होता है कि यू डोंट नो वाट्स गोइंग टू हैपन तो अमेरिकन में क्योंकि डेली रेट्स आ रहे हैं और डेली यू कैन सी वाट्स हैपनिंग तो इस तरह के इमीजिएट सरप्राइज़ नहीं आते

उसको रेट प्राइस एप्रिसिएशन तो मिल जाएगी लेकिन डिविडेंड उसी को मिलेगा जिसके नाम पे शेयर होता है तो कुछ लोग जल्दी एक्सरसाइज कर लाते हैं ताकि उनको डिविडेंड मिल जाए तो ये अमेरिकन में ज़्यादा पॉसिबल है यूरोपियन में इतनी पॉसिबिलिटीज की नहीं होती कैश सेटलमेंट दैट्स नॉर्मल द एडवांटेजेस टू ऑल पार्टीज वैन ऑप्शन आर सेटल इन कैश नॉर्मली होती भी कैश सेटलमेंट है और बेनिफिशियल भी वही है क्योंकि शेयर इन एक्सचेंज इन हैंड नहीं हो रहे होते जस्ट प्राइस डिफरेंस इज बींग चेंज है तो आपको फिर ये भी नहीं होता कि मेरे पास कौन सा नया शेयर आ गया या कौन सा शेयर मेरे पास से चला जाएगा शेयर पोर्टफोलियो आप सेपरेट मैनेज करें ऑप्शन की सेटलमेंट सेपरेट हो रही होती है और कंपनसेटिंग इफेक्ट आप उसके साथ ला सकते हैं ऑप्शन तो ओनर रिसीव कैश वैल्यू एंड ऑप्शन सेलर्स पे द वैल्यू टू द ऑप्शन जिसकी ऑप्शन वैल्यू बन रही होती है द पैर डाट पार्ट इज गोइंग टू अर्न अबाउट आउट ऑफ इट बायर को या रिटर्न मिल रहा होता है या उसका प्रीमियम चला जाता है उसमें एक वो के ऑप्शन है तो उसको एज एच प्रीमियम से ऊपर लॉस नहीं हो रहा होता द कैश वैल्यू इज इक्वल टू द इंट्रेंसिक वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू क्या बन रही है उस ऑप्शन की उस रेट पे इसकी सेटलमेंट हो जाती है सेटलमेंट प्राइस कैसे निकलती है इज द ऑफन अ सरप्राइज विद यूरोपियन एज वी डिस्कस कि अमेरिकन में सरप्राइजेज एलिमेंट नहीं है इसमें क्यों है वो इसलिए हैं कि अभी तो हमने एक महीने की बात की कई दफ़ा हम तीन तीन महीने के ऑप्शन भी करते हैं तो हमने जनवरी में एक ऑप्शन पे प्राइस लॉक किया अब तीन महीना इज़ अ लॉन्ग पीरियड तीन महीने के बाद प्राइस कुड बी वेरी गो वेरी हाई कुड बी गो वेरी नाउ तो बहुत जब हाई चली जाती है और आपके पास कॉल ऑप्शन है यू कैन गेन आउट ऑफ़ इट या जब पुट ऑप्शन है और प्राइस गिर जाए तो यू कैन गेन आउट ऑफ इट सो सरप्राइज एलिमेंट यूरोपियन में बहुत ज़्यादा आ जाता है क्योंकि हमें राइटर को उतना पे भी करना पड़ सकता अमेरिकन में क्योंकि डेली सेटलमेंट्स का भी ऑप्शन होता है अर्ली सेटलमेंट का और आपको रेट्स की नज़र आ रही होती हैं तो यू कैन मैनेज एंड स्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली ओनर ऑफ लो प्राइस ऑप्शन वर्थ अ फ्यू निकल्स और लेस हैव अर्न हंड्रेड्स ऑफ डॉलर किसी ने बहुत दूर की ऑप्शन ले ली जैसे स्टॉक इस वक्त है सौ रुपये का आपने कॉल ऑप्शन ले ली कि जी पचास रुपये में ये शॉक शेयर मैं ख़रीद लूँगा अब सौ का शेयर पचास में आने के चांस बहुत कम है और वो को मिल भी बहुत सस्ती गई होगी लेकिन हुआ क्या कि स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो चेंज आउट हो गई एंड थिंग्स वर्क आउट डैट वे कि यू कैन गेट आउट ऑफ इट ये अगर आपकी मूवमेंट आपकी फेवर में हो सकती है अगर करंट प्राइस सौ है और आपने कॉल ऑप्शन राइट की हुई है तो यू कैन मनी गेट मनी आउट ऑफ इट क्योंकि इतने लेवल पे लो पे नो वन विल बी विलिंग टू डू दैट तो ये हमें एक्चुअली जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि बहुत रिमोट ऑप्शंस भी ट्रिगर आउट हो सकती हैं इन केस ऑफ यूरोपियन मोर लाइकली क्योंकि गैप पीरियड ज्यादा होता है विद अमेरिकन ऑप्शन यू सी द स्टॉक अप्रोचिंग स्ट्राइक प्राइस एंड स्पेंड स्पैंडल और टू टू कवर इट आपको लग रहा है कि प्राइस में चेंज आ रही है तो आप अपनी पहले वाली पोजिशन को एडजस्ट कर सकते हैं दूसरी ऑप्शन के साथ या इसमें गेन आउट से या एग्जिट कर सकते हैं यूरोपियन में सरप्राइज एलिमेंट है क्योंकि वहां पे ऐसा को वार्निंग नहीं मिलनी है, बस आपको एक ही दफा सेटलमेंट ट्रिगर होनी है इनफॉर्मली आप सेपरेटली कर सकते हैं बट सरप्राइज एलिमेंट इज मोर इन द केस ऑफ यूरोपियन थैंक यू